audio jungle. जंगल सियोहारा थाना क्षेत्र के गांव फैजुल्लापुर में शहबाज 5 वर्षों से दूध की डेयरी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सुबह 6 बजे अचानक 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से गरीब की छत अचानक भरभराकर गिर गई। छत पर रखी पराली में ज्यादा पानी होने के कारण छत अचानक नीचे गिर गई। छत के नीचे दबकर 1-2 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि शहबाज व उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानंद में शहबाज की पत्नी को मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बमुश्किल मोहल्ले वासियों ने टीन शेड के नीचे दबे पूरे परिवार को निकाला। रात्रि में टीन शेड के नीचे सो रहे शहबाज को क्या मालूम था कि सुबह दिन निकलने से पहले ही उसकी 2 वर्षीय बच्ची दुनिया को अलविदा कह देगी। गरीबों की मार झेल रहे शहबाज पर बारिश ने इतना कहर बरपाया है कि उसकी 2 वर्षीय बच्ची जिंदगी भर के लिए उसका साथ छोड़कर चली गई है। हालांकि घटना में घायल पत्नी की भी हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसका उपचार मुरादाबाद हायर सेंटर में किया जा रहा है। सुबह 6 बज रहे थे ना, सुबह 6 बज रहे थे बस, यो पुराल उसमें रखी थी मैंने, 2-3 दिन सूख जाएगी। अब रात बारिश इतनी पड़ गई, उसने पुराल में पानी पी लिया तो पूरा सेट हमारे ऊपर, हमारे बच्चे सो रहे थे वह हमारे ऊपर ही आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। अच्छा शहबाज, तो आप ये डेयरी कब से चला रहे हैं फैजुल्लापुर में? मुझे तो 5-6 साल से। कितनी भैंसे हैं यहाँ? अभी तो 6 भैंसें थी, मैं जानू एक भैंस भी दब गई, बच्चा उच्चा मर गया भैंस का। अच्छा, एक बच्चा हाँ मरा हुआ है। तो आपके चोट कहाँ जितने ज्यादा लगे? मेरे यहाँ सिन्ने में है जी, पूरे सिन्ने पे। अच्छा, और आपकी पत्नी की भी लगी है जी? उन्हें ले गए मुरादाबाद। और जो आपकी बच्ची का जानकारी मिली है, डेट हो गई, क्या नाम है बच्ची का? नाम इकरा है जी, वो भी चली दब गई। कितने वर्ष की है वो? 1.5 साल की।